सब्सक्राइब करें मेवात टाइम। किशनगढ़ बास अलवर राजस्थान से नारी अपमान की बड़ी खबर आ रही है। चोरी के शक के आधार पर कस्बे के दुकानदार एवं अन्य लोग तीन महिलाओं को बेरहमी से सड़कों पर घसीटते हुए पहले थाने ले गए और उसके बाद थाना पुलिस ने तीनों महिलाओं के खिलाफ ही धारा 151 के तहत मामला दर्ज कर लिया। नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है, ये कहावत है हमारे भारत देश की संस्कृति की। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा महिलाओं और बालक बालिकाओं के संरक्षण हेतु कड़े कानून भी बनाए गए हैं, जिससे महिलाओं एवं बालिकाओं पर अत्याचार पर अंकुश लग सके। लेकिन ये कानून कहां तक कारगर साबित हो रहे हैं, ये नज़ारा देखने को मिला किशनगढ़ बास कस्बे में। कस्बे में तीन महिलाओं को स्थानीय लोगों द्वारा पकड़कर चोर चोर कहकर बेरहमी से घसीटते हुए थाने तक ले जाने का मामला सामने आया है। किशनगढ़ बास कस्बे के तोप सर्किल पर इन तीन महिलाओं को लोगों ने चोर चोर कहकर पकड़ लिया और मुख्य बाजार तक घसीटते हुए ले गए। इन तीन महिलाओं में एक महिला राजबाई की गोद में नन्हा मासूम बालक भी था, जिस पर भी लोगों को दया नहीं आई। ये तीन महिला पिरोशी बाई पत्नी रामेश्वर 50 वर्ष, राजबाई पत्नी महावीर 30 वर्ष, राजीबाई पत्नी अमरलाल जाति बील बागड़ी गांव सरकन्या थाना सीसवाली जिला 12 की रहने वाली है। इन औरतों ने बताया कि वो जयपुर होकर दिल्ली के लिए जा रही थी, जिन्हें ट्रेन में TTE द्वारा टिकट नहीं पाए जाने पर खैरथल स्टेशन पर उतार दिया गया। खैरथल स्टेशन पर उतरकर पैसे न होने की वजह से किराए के लिए पैसे मांगती हुई किशनगढ़ बास पहुंच गई, जहां पर इन तीनों महिलाओं की बेदर्दी से पिटाई की गई। रोड में से लेके हमको खींच गए। कौन ले गया, खींच कर बताओ। कपड़ा वाला। क्या बोलते हैं? ये ले गया बाबू जी, हमने कुछ भी नहीं किया। बाजार में से ले गया, जोर से खींच के गए। तो कौन लेगा? दुकान वाले। आप लोग कहाँ से आ रहे थे बताओ? हम तो वहाँ शायद जयपुर से। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे मांगने के लिए। जब टीटी ने बता दिया, टीटी ने कहा उतार दिया, यहाँ बता दिया। जब हमने सोची मांगने के लिए, कब उतारा? अभी सुबह। यहाँ बाजार में क्या कर रहे थे? मांगने के लिए गए। फिर क्या, यहाँ से ले गया दुकान वाले। कहाँ से ले गए दुकान वाले? रोड पे से। रोड पे क्यों? घिस के ले गया। हम रोड पर से ले गया, हमारे खींच के पकड़ के जोर से तीन हो गयी। जो वहाँ मेरी रुकोटी बना ली, क्या कहते हैं, वो बोले तुम पहले भी आए थे, तुम पेंट ले गई हमारे। फिलहाल तो थाना पुलिस ने इन तीनों महिलाओं के विरुद्ध धारा 151 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यहाँ ऐसे ही आत्म सम्मान, नारी सम्मान जारी है। आप देखते रहें मेवात टाइम्स, आपको आगे की अपडेट मिलती रहेंगी। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।